हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रजनी जैस ट्रेजर बॉक्स में। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन शीख कबाब। इसके लिए 1/2 kg चिकन कीमा, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, पुदीना, थोड़ा सा धनिया डालकर सारी चीज़ों को मिक्सर में डालकर हम अच्छे से पीस लेंगे। इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। अब इसे हम एक छोटे से बाउल में निकाल कर इसमें सारे जो भी थोड़े बहुत मसाले वो डाल लेंगे। अब हम इसमें 2 बड़े स्पून बेसन डाल देंगे, थोड़ा सा चॉप किया हुआ अनियन और सॉल्ट, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और थोड़ा सा धनिया पाउडर, चिल्ली पाउडर और हल्दी पाउडर और उसमें थोड़ा सा गरम मसाला। आप गरम मसाला या चिकन मसाला कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा लेमन डाल के मिक्स कर लेंगे। अब इसमें दही और 2 स्पून ऑयल डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब देख सकते हैं, अब हाथ से या चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने ग्रिल पैन ले लिया, उस पर मैंने 2 स्पून ऑयल डाल दिया है। बाज़ार से मैंने इस तरीके का स्टिक लग कर रखा है। अब मैं इस पर थोड़ा थोड़ा ऑयल के सहायता से मैं इस पर स्टिक पे सारे मसाले लगा रही हूँ और फिर लगा कर मैंने ग्रिल पैन पर इसे डाल दिया। अब देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा कर इसे लगाना है और इसे अच्छी तरह से हमें दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के फ्राई कर लेना है ताकि वो अच्छी तरह से अंदर पक जाए। इस तरह से मैंने सारे स्टिक को रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे बड़े बाउल में निकाल लूँगी। ये हो चुका है। बड़े बाउल में निकालने के बाद मैं कोल को गर्म कर लूँगी जिसमें मुझे इसमें स्मोकी फ्लेवर देना है। ये घर पर सीख कबाब बनाने का सबसे ईजी तरीका है और टेस्टी भी। अलग से रख कर स्मोक देने से सीख कबाब का टेस्ट इससे और भी अच्छा हो जाता है। आप देख सकते हैं, मैंने अब इस पर कोल रख दिया है और थोड़ा सा घी डाल के मैं ऊपर से ढक दूंगी। अब इसका स्मोक पूरा कबाब में लग जाएगा और इसी तरह से मैं सारे कबाब रेडी कर कर सारा स्मोकी फ्लेवर के साथ इसे बना लूंगी। और इसे अब हमारे सारे कबाब रेडी हैं सर्व करने के लिए। आप भी अपने घर पे बनाइए, अपने फैमिली को खिलाइए और प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।